सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे फ्यूचर टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर 4000 घंटे का वर्स्ट टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर। दोस्तों अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो भी मैं इस वीडियो में क्लिक करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों सभी से गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, अगर आप भी एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने किन बातों का ध्यान रखना है, तो जो फर्स्ट है फ्रेंड्स, उसमें आपको क्या करना है कि किसी दूसरे का कंटेंट आपने अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं अपलोड करना है, दूसरे की वीडियोस आपने अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं अपलोड करनी है। इससे क्या होगा, अगर अगर आप एग्जांपल के तौर पर अगर आपके चैनल पर वो वीडियोस वायरल हो जाता है, भगवान ने करे कि वायरल हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक वो दे सकता है, इससे आपके चैनल को डिफेक्ट पड़ सकता है। तो ध्यान रहे, जो मेन बात है फ्रेंड्स कि दूसरे का कंटेंट आप अपने यूट्यूब चैनल पर कभी ना डालें, तो आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर की, तो कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने चैनल पर डेली वीडियोज अपलोड करने होंगे। जितने आप डेली अपने वीडियोज चैनल पर वीडियोज अपलोड करेंगे, उतने जल्दी आपका जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो जल्दी कंप्लीट होगा, और इससे आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होंगे और व्यूज भी आपके चैनल पर आना शुरू हो जाएंगे। जितनी आप डेली वीडियोस अपलोड करेंगे दोस्तों, इससे आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा ग्रोथिंग हो जाएगी। जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, अगर आप जब भी YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो दोस्तों उस पर जब टाइटल लिखते हैं तो टाइटल भी आपने ध्यान से लिखना है। जिस तरह का आपका कंटेंट होगा उसी हिसाब से आप अपने YouTube पर जो टाइटल होता है उसको लिखना है दोस्तों। ऐसा ना हो कि आपने वीडियोस कुछ अलग और टाइटल कुछ अलग लिख दिया, तो आपने इसका भी हमेशा ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपका वीडियोज होगा उसी हिसाब से आपका टाइटल भी होना चाहिए, तभी आपका वीडियोज जो चैनल पर है वो वायरल होता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो वीडियोस अपलोड करने से पहले दोस्तों आपको एक थंबनेल बनाना होता है जो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपके व्यूअर आपके थंबनेल को देखकर ही आपकी वीडियोस पर क्लिक करें और आपका वीडियोस देखें। तो आपने ऐसा थंबनेल बनाना है कि आगे वाला जो बंदा, जो देखने वाला बंदा, वो मजबूर हो जाए आपके वीडियोस पर क्लिक करने के लिए। इससे भी आपका चैनल पर ग्रोथिंग होती है फ्रेंड्स, इससे आपके चैनल को ग्रोथिंग होती है और आपका वीडियोस वायरल होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और फ्रेंड्स एक बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करने से बाद में फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है, टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको लॉन्ग तरीके से लिखना है। आपने अब लॉन्ग तरीके से आपने आप उसमें 5000 वर्ड आप लिख सकते हैं, तो आपने 4000 वर्ड तो आपने लिखने ही, अगर 4000 वर्ड आप लिख नहीं सकते तो 2000 वर्ड तो आप नए उसमें लिखने ही होंगे, क्योंकि इससे भी आपके वीडियोस वायरल होने के यहाँ से भी काफ़ी चांसेस होते हैं। जितना बड़ा आपका डिस्क्रिप्शन होगा उसी हिसाब से आपका वीडियो वायरल होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं, तो आपने इन बातों का भी हमेशा ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अगर जब आप यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो उन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए फ्रेंड्स आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक हो गया फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप इनके ऊपर अपनी वीडियोस का लिंक को शेयर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स आप इनको देखें और इनको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपके चैनल पर व्यूज़ भी आएंगे और इस हिसाब से आपका जो चैनल है आपके चैनल की ग्रोथिंग हो जाएगी फ्रेंड्स, और इससे सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। वॉच टाइम कंप्लीट होने का भी ये भी सही तरीका है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट होने में आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो आपने इन इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करें। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड करते हैं, जो वीडियोस जो फर्स्ट आता है फ्रेंड्स, वहां पर आप इंट्रो लगाना ना भूलें कि आपने चैनल का इंट्रो लगा दिया या सब्सक्राइबर बटन का इंट्रो लगा दो, ऐसा कुछ आपने लगाना है। उसके बाद फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो वीडियोस अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपने एक प्लेलिस्ट बना लेनी है, अपने वीडियोस की प्लेलिस्ट बना लेनी है। इससे क्या होता है कि जब भी आपका व्यूवर आपकी वीडियोस देखता है उसके नीचे, वीडियोस के नीचे आपकी प्लेलिस्ट आ जाती है, यानी कि आपकी सारी वीडियोस वहां पर आ जाती है। अगर आपके व्यूवर्स को आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकता है। वहां से क्या होगा कि आपकी सारी वीडियोस
वहाँ वो वहाँ से देख सकता है। अगर उसको पसंद आ जाती है तो आपकी वीडियोस पर वहाँ से भी काफ़ी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है और आपके चैनल पर व्यूज़ भी आने लग जाते हैं। तो आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एक प्लेलिस्ट भी आपने बना लेनी है। जिस हिसाब से आपका कंटेंट होगा उसी हिसाब से आप अपने चैनल में प्लेलिस्ट भी बनाना ज़रूरी है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, जो मैंने इस वीडियो में आपको बातें बताई, आपने इन बातों का हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर ध्यान रखना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरे का कॉन्टेंट आप अपने यूट्यूब चैनल पर कभी मत अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ से हमारे चैनल को काफ़ी डिफेक्ट पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का धन्यवाद।